friends, this is Damneet, and today I have brought very important topic for you for every forthcoming examination, that is evergreen revolution, changing agricultural traditions. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले टाइम में, बिकॉज अभी जो इंडिया जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन से सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन पे शिफ्ट हो रहा है. जो हमारे जो APJ अब्दुल कलाम का जो ड्रीम था सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने का, तो वो बहुत जल्दी फुलफ़िल हो जाएगा. तो उसके लिए हमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, फार्म रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन. तो लेट्स स्टडी अबाउट द टॉपिक, एंड बिफोर प्रोसीडिंग टू द टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फतेह एडुकॉम फॉर रेगुलर अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. The term Green Revolution, coined by Dr. William Godd of the US Department of Agriculture in 1968, has brought higher production through enhanced productivity. It not only made India self-sufficient but also food surplus country, but it also led to certain consequences, like it was depleting soil of its nutrient and water because it recommended chemical fertilizers and water intensive schemes. तो बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके थ्री फेसेस जो थे 1966 से लेके अराउंड 1996 के टाइम पीरियड तक. तो बेसिकली जो 1996 से लेके 1976 तक का फर्स्ट फेज था, उसमें जो कई वैरायटीज़ थी, बहुत सारे लूप होल्स थे उसमें, क्योंकि कुछ वैरायटीज़ जो थी वो जैसे राइस की IR8 वैरायटी थी, तो वो पंजाब और हरियाणा में ही लॉन्च की गई थी, क्योंकि माना जाता है कि इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे प्लेन्स जो हैं वो काफ़ी फर्टाइल हैं. तो एज ऑन पायलट बेसिस आप बोल सकते हो उसको, कि वहाँ पे जो है वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा लॉन्च किया गया था, एम्फेसाइज किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन को. उसके बाद इसमें इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, जिसको लोगों ने भी बाद में अपोज किया था. फिर उसके बाद जो था वो मैकेनाइजेशन भी थी इसमें एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्योंकि टेक्निक्स यूज़ हो रही थी मैक्सिमम, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो राइज हो गई थी. तो कहीं ना कहीं ये कैपिटलिस्ट फार्मिंग को एक तरह का जो था वो रूट मिल गया था, कैपिटलिस्ट फार्मिंग प्रमोट हो रही थी, क्योंकि सिर्फ जो बिग फार्मर्स थे वही जो थे वो रिस्क लेना प्रेफर कर रहे थे. बट इसका जो एडवांटेज निकला था वो अल्टीमेटली जो वीट प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी. उसके बाद जो सेकंड फेज आया 1976 के अराउंड, तो उसमें जो था फिर ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सपैंड किया गया ईस्टर्न प्लेन्स में, सेंट्रल इंडिया में, महाराष्ट्र में, और जो साउदर्न प्लेटियो जैसे तमिलनाडु वगैरह उधरले एरियाज़ में, तो उसको भी एक्सपैंड किया गया. फिर जो राइस प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा तब इंक्रीज़ हुई थी, क्योंकि ये मेनली ये वाले जो एरिया हैं दैट आर फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन. तो उसके बाद थर्ड फेज आया 1996 के बाद वाला, तो उसमें ऑयल सीड प्रोडक्शन के ऊपर भी काफ़ी फोकस हुआ था. तो 1950-51 में अराउंड जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी इंडिया में दैट वाज अराउंड 100 मैट्रिक टन और जो मिलियन टन. तो जो उसके बाद 1996 के बाद इमीडिएटली वो राइज होगी 250 मिलियन टन्स के अराउंड. तो इंडिया जो था वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में. लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स भी थे, जैसे जो डिस्पैरिटी थी, रीजनल डिस्पैरिटी इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि जो वेल्थ जो एफ्लुएंट स्टेट्स थी जैसे पंजाब हरियाणा, उनको ही ज़्यादा फोकस किया गया था पहले. और क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी डिस्कस किया कैपिटलिस्ट फार्मिंग जो थी उसको एक रूट मिल गया था, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो थी वो एसोसिएट हो गई थी, जैसे सॉइल डिग्रेडेशन वगैरह, वाटर पोल्यूशन राइज कर गया था, ग्राउंड वाटर जो था वो डिग्रेड हो गया था, और पंजाब हरियाणा में तो मतलब ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा हद तक यूज़ हुआ था कि जो सेलिनिटी है वो इंक्रीज़ हो गई थी. होता है ना कि जैसे ग्राउंड वाटर जो होता है वो जब उसका एक्सेसिव यूज़ होता है तो जो सॉल्ट होता है वो अल्टीमेटली ऊपर आ जाता है, तो उससे क्या होता है सलाइन हो जाती है सॉइल. तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो थी वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई थी. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है वो MS स्वामीनाथन, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, तो इन्होंने जो है वो एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया. तो इसमें क्या होगा, बेसिकली सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे फोकस किया जाएगा, और इसमें इको टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया जाएगा. इको टेक्नोलॉजीज़ मतलब कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ हों उनको यूज़ करना है. मान लो जैसे 10 टन अगर राइस की प्रोडक्शन करनी है,
ठीक है, तो उसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करी जा रहे हो, नो डाउट कि वो एक बार तो आपको बहुत ज़्यादा, एक बार, दो बार, तीन बार आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे भी देगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, सॉइल डिप्लीट होनी शुरू हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होने शुरू हो जाएंगे, वाटर डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, ग्राउंड वाटर, तो बहुत ज़्यादा उससे अल्टीमेटली लॉस ही होगा। तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एक साल हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर हम रोटेशन बेसिस पे लेग्यूम्स डाल सकते हैं। तो बेसिकली लेग्यूम्स भी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो रोटेशन कर सकते हैं इसको, एक साल जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, नेक्स्ट ईयर कोई ऐसे ही एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है फर्टिलाइजर, जैसे मैन्योर वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है, कॉर्डंग का बना के, ठीक है, तो कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो इसमें बेसिकली उस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। द ट्रांजिशन फ्रॉम द फटीक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टू एन एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन्वॉल्व द शिफ्ट फ्रॉम अ क्रॉप सेंटर टू अ सिस्टम बेस्ड अप्रोच टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि पहले हम कमोडिटी सेंटर थे बिल्कुल, कि केमिकल फर्टिलाइजर्स भी अगर हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं अपनी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, तो हम मैक्सिमम जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे ही रिलाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो होगी दैट विल बी फार्मिंग सिस्टम सेंटर्ड, मतलब उसमें जो है बेसिकली जो फार्म लैंड्स हैं उनको भी प्रोक्योर करना इसका फोकस होगा, जैसे हम रोटेशन बेसिस पे लेग्यूम्स की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। इन दिस रिगार्ड एज वेल एज टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022, रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज़ प्रिपेयर्ड अ रोड मैप फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो उस रोड मैप के जो बेसिकली इनिशिएटिव्स हैं वो क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी। सेकेंड इज़ प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ काउज एंड बफलोज। अगर आपने मेरा कुरुक्षेत्र वाला एनिमल हस्बेंड्री का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, जैसे रेड सिंधी वगैरह है। तो ये बेसिकली जो हमारी अपनी ब्रीड्स हैं कैटल ब्रीड्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट हैं, क्लाइमेट टॉलरेंट, हार्श क्लाइमेट जो है वो टॉलरेट कर लेती हैं। तो बेसिकली उनकी प्रमोशन करना इसमें एक फोकस रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉस ब्रीडिंग हम कराते हैं जो फॉरेन ब्रीड्स होती हैं उसके साथ में, तो वो इतनी ज़्यादा क्लाइमेट रिजिलिएंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली इंडिजीनियस ब्रीड्स को प्रमोट करना है। देन उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं वो मैंने एनिमल हस्बेंड्री वाले में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है। जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह उसकी सॉरी फर्टिलाइजेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम आती है जैसे क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह हो जाती है। तो नेक्स्ट इज लॉन्च ऑफ अ नेशन वाइड प्रोग्राम टू हार्वेस्ट द एडवांटेजेस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। जैसे हम रिमोट सेंसिंग वगैरह टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेदर फॉरकास्ट करके फ्लड्स वगैरह जो ड्रॉट्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। फिर हम पेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग जो है वो मिल सकती है फार्मर्स को। तो बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी का भी जो है हम उसको भी अवेल कर सकते हैं। देन प्रमोशन ऑफ डीप सी फिशिंग, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन को इसमें प्रमोट करेंगे। देन सेटिंग अप ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स एट पंचायत लेवल। देन इंक्रीज ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाय 1 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ राइस फेलो एरियाज फॉर पल्सिस एंड ऑयल सीड्स। तो जैसे आपको पता ही है कि जैसे हम वीट या राइस कुछ भी ग्रो करते हैं तो काफ़ी देर हमारी जो फसल है 3-3 महीने वो खाली ही पड़ी रहती है, तो उसको जो है वो पल्सिस और ऑयल सीड्स में हम यूटिलाइज़ करेंगे उनकी फार्मिंग करके। देन कंसोलिडेशन ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इंटर मार्केट ट्रांजेक्शन्स अमंग अदर्स, जैसे ई नाम वगैरह जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, तो उसको मैक्सिमम जो है वो अवेल करेंगे इसमें। तो ये कुछ फार्म रिफॉर्म्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द की फीचर्स ऑफ फार्म रिफॉर्म्स आर सॉफ्टवेयर टू बी डिवेल्प टू जनरेट क्रॉप स्पेसिफिक एंड साइट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑफ फार्म फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसमें बेसिकली सॉयल हेल्थ कार्ड जो होंगे उसकी हेल्प ली जा सकती है। देन सीड विलेज प्रोग्राम्स टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 30,000 टू 60,000 विलेजेस। देन सीड बिल फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड्स। देन 4.8 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फार्म लैंड विल बी ब्रॉट अंडर माइक्रो इरीगेशन। देन
प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ ऑयल पाम इन वेस्ट लैंड्स बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कल्टीवेशन. जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि जो फार्म होगी वो वेकेंट नहीं उसको रहने देंगे और उसकी जगह है हम जो है ऑयल पाम वगैरह की कल्टीवेशन करेंगे. देन पल्स प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज टू 24 मिलियन टन्स बाय 2019 to 2020. देन स्ट्रेंथन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. देन 3 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड विल बी ब्रॉट अंडर एग्रोफॉरेस्ट्री. देन मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट विल बी रोल्ड आउट बाई अक्टूबर 2017. जैसे कि आपको पता है इंडिया पे लैंड जो होती है वो एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो 3 साल तक जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, ठीक है, टेनेंट्स को. तो उसमें क्या होता है कि जो ऑनर्स होते हैं उनको थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली अगर 3 साल तक कोई एक बंदा है जो है वो ज़मीन की फार्मिंग कर रहा है तो उसके वो ज़मीन जो है अल्टीमेटली वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती है. तो इसकी वजह से होता है क्या है कि 3 साल बाद जो ठेकेदार जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं, ठेका जो दिया जाता है वो किसी और को दे दिया जाता है, तो उससे जो पहला बंदा होता है वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में राइज कर रही है. तो इससे डिस्प्यूट्स भी आते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. तो अल्टीमेटली इसके लिए जो है वो स्ट्रिंजेंट लॉज वगैरह या लॉ रिफॉर्म्स जो होंगे वो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के थ्रू जो है वो रोल आउट किए जाएंगे अक्टूबर 2017 में. देन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कैटल टू बी डेवलप्ड. तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हो कि सारा कुछ ही कवर हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री भी कवर हो रहा है, हॉर्टिकल्चर भी कवर हो रहा है, फार्मिंग सेक्टर नॉन फार्मिंग सेक्टर भी कवर हो रहा है, ठीक है. तो ऑलमोस्ट हर एक आस्पेक्ट जैसे ऑयल सीड पल्सिस प्रमोशन सब कुछ जो है इसमें इंक्लूडेड है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एवरग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि हर एक चीज़ को जो है वो अपने लेवल पे प्रमोट किया जाएगा. तो अल्टीमेटली जो इसका मेन गोल है वो ये भी है कि फार्मर्स की जो इनकम है बाय 2022 उसको डबल करना है. तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे तरह से समझना है, याद रखना है. मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके फैक्ट्स जो है वो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए इसके फैक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम एवरग्रीन रेवोल्यूशन. होप द वीडियो विल बेनिफिट यू अलॉट. Thanks for watching my video. Please subscribe to Fateh Educom for further updates. Thank you very much.